आप क्वालिटी चेक कर सकते हो इसकी, और फिर से C7 की सीड। तो इस तरीके से ये लगभग तैयार होने को है। हम लोग हिंजेवाड़ी फेज 3 से आए हैं और पुणे में इडली फ्राई मुझे ज्यादा दिखता नहीं है, कहीं मिलता है। और रेट भी सस्ता है। तो इनका इडली फ्राई का मसाला है वो पुणे में मुझे बहुत यूनिक लगा। नमस्कार दोस्तों, पुणे के फूड ब्लॉग सीरीज के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ कर्वे नगर इस एरिया में। तो दोस्तों पुणे के पब्लिक मसाला इडली फ्राई जो कि यहाँ का एक फूड है वो काफी पसंद करते हैं, तो मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हो। तो अभी हम जाने वाले है मसाला फ्राई इडली का टेस्ट करने के लिए और उसकी मेकिंग प्रोसेस देखने के लिए। तो दोस्तों ये भीड़ चेक कर सकते हो आप, जो स्टूडेंट्स है काफी ज्यादा यहाँ पर, और ये सभी जो है इडली फ्राई खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हो उनके हाथ में इडली फ्राई का टेस्ट लेते हुए, तो भीड़ चेक कर सकते हो। हम लोग हिंजेवाड़ी फेज 3 से आए हैं और ये इडली फ्राई बहुत टेस्टी है, और पुणे में इडली फ्राई मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है, कहीं मिलता है, तो ये कुछ यूनिक है कि यहाँ पे इडली फ्राई मिल रहा है और टेस्ट अच्छा है। यू कैन विजिट वंस। तो दोस्तों पूरा मेकिंग आज हम आपको दिखाने वाले किस तरह से यहाँ पर इडली बनती है। तो अभी यहाँ पर जो है जीरा गया है, तेल और जीरा। तो कढ़ाई आप चेक कर सकते हो, अभी मैं वाइड एंगल में कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी जो है कढ़ाई यहाँ पर यूज की जाती है बनाने के लिए। और वेटिंग के लिए पब्लिक आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अभी ये वेट कर रही है कि इडली फ्राई कब तैयार होगी। तो ये कड़ी पत्ता यूज डाला उन्होंने। तो कुछ इस तरह का डिश है यहाँ पर। तो अभी ये जो है कटी हुई इडली जा रही है, जो कि आप चेक कर सकते हो, ये इन्होंने पहले ही कट करके रखा है। तो जो जीरा डाला था उन्होंने वो प्रॉपर यहाँ पर मिक्स करके ले रहे। तो अभी ये जो इनका मेन मसाला है जो कि फ्राई इडली में जाता है तो डाल रहे। तो ये उन्होंने बताया कि वो घर पे ही बनाते हैं मसाला, तो अलग अलग मसालों का मिक्सचर है। जो क्रिस्पी मसाला है उसमें थोड़ा क्रिस्पी भी लगता है खाने में, तो टेस्ट के बाद हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी देख सकते हो उस पूरा इडली का कलर चेंज हो चुका है उस मसाले की वजह से। तो ऊपर से और मसाला उन्होंने ऐड किया है। तो देख सकते हैं अब इडली कई किस तरह से देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है उसमें। तो दोस्तों ऊपर से और तेल यहाँ पर डाला जा रहा है। तो ये 2-3 बार तेल डालते हैं, उसके बाद उसको फिर से मिक्स करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये इडली जो है खाने में क्रिस्पी लगता है। और अब ये सिसामम के सीड्स है जो कि आप चेक कर सकते हो, ये थोड़ा डेकोरेशन का काम करते हैं, मतलब कि वो दिखने में काफी अच्छा लगता है ये सिसामम के सीड डालने की वजह से। तो ऊपर से धनिया डाला उन्होंने, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो इसकी, और फिर से सिसामम की सीड। तो इस तरीके से ये लगभग तैयार होने को है डिश। तो दोस्तों इडली तैयार हो चुकी है, जो भी पार्सल के ऑर्डर है अभी वो बन रहे हैं यहाँ पर फटाफट से।
तो देखते देखते 5 पार्सल इन्होंने पैक भी कर दिए है। तो अब खाने के लिए वो प्लेट के जरिए यहाँ पर दिया सर्व करते हैं। तो यहाँ से प्लेट जाते हैं उस साइड और वहाँ पर जो है सांभर और अलग अलग चटनियाँ है वो यहाँ से जो है पार्सल होता है। तो देख सकते हो देखते देखते कितने सारे प्लेट्स यहाँ पर भरे जा रहे हैं और कितने ऑर्डर्स भी जा रहे हैं। पार्सल लेके जाने भी लोग पसंद करते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी जो हमने मेकिंग प्रोसेस बताई आपको किस तरह से इडली फ्राई यहाँ पर बनाई जाती है, तो दोस्तों अब हम टेस्ट करके भी देखेंगे। तो चलिए प्लेट बनाते हैं, किस तरह से प्लेट ये बनाते हैं देखते हैं। तो भाई पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है और ये मेरे अंकल जी का शॉप है का इडली फ्राई का। तो लगभग कितने प्लेट यहाँ पर डेली बिकता है? अच्छा डेली का नहीं, पर एक राउंड में 25 से 30 प्लेट बन जाते। अच्छा एक कढ़ाई में? एक कढ़ाई में 25 से 30 प्लेट। तो सर हमारे लिए एक प्लेट बनाई है ना? तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी हमारे लिए एक प्लेट बनाया है। तो सबको गार्निश करके दे दो। यहाँ पर चेक कर सकते हो, उस पे गया धनिया पार्सल। ठीक है चला दीदीला पार्सल। तीन चार के साथ एक हरी चटनी अपना सांभर। तो दोस्तों प्लेट चेक कर सकते हो ये का प्लेट हमारा रेडी है जो कि आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी पुणे की पब्लिक इसको पसंद करती है तो क्या वजह है, तो कैसी टेस्ट है ये हम चेक करते हैं। मैं भी पहली बार यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ। तो देख सकते हो इसकी क्वालिटी, तो सीसा में हम सीड डाले हैं उन्होंने, उसके साथ हमें सांभर मिलता है और ये शायद कोकोनट की चटनी है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट तो काफ़ी अच्छी है, जो उन्होंने उसमें मसाला ऐड किया है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इडली को कट करके जो उस पर जो मसाला और सेसम के सीड डाले, तो जो मसाला है उस मेन उसका पार्ट है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट लगी मुझे। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो करवे नगर यहाँ पर आ सकते हो। लोकेशन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब जो इनका इडली फ्राई का मसाला है वो पुणे में मुझे बहुत यूनिक लगा, और बाद में दही वड़ा और जो वड़ा सांभर भी उसका टेस्ट भी बहुत यूनिक है। तो आपको अगर ट्राई करना है तो यहाँ आके ट्राई कर सकते हो। इनका टेस्ट मतलब यूनिक है यहाँ का इडली फ्राई, ये इस एरिया में कहीं पे नहीं मिलता है। तो हम तो डेली आते हैं यहाँ पे टेस्ट करने को, आप भी आ सकते हो, पास में ही है और रेट भी सस्ता है, तो आप ज़रूर ट्राई करो। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने जो है पुणे का यूनिक ब्रेकफास्ट जो कि इडली फ्राई जो कि पुणे की पब्लिक काफ़ी पसंद करती है उसका ब्लॉग हमने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कुछ जो है फेमस फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे।